Very warm welcome in Lisanics for my e-lecture. Today we'll talk about conditional sentences. As you know, conditional sentences are generally classified into four types. First conditional sentence, second conditional sentence, third conditional sentence, and zero conditional sentence. But in today, we'll talk about only first conditional sentence. As the term conditional sentence suggests its meaning, कि ऐसे sentences जिनके अंदर एक condition जो है वो prescribe की जाएगी और उस condition का fulfill होना ज़रूरी है results लेने के लिए, यानी एक शर्त होगी, जब तक वो शर्त पूरी नहीं होगी तो उसकी जज़ा नहीं होगी. तो इसी वजह से इन जुमलों को उर्दू के अंदर शर्तिया जुमले भी कहे जाते हैं. तो ये पहला शर्तिया जुमला जिसे हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं, इसमें एक बात ये याद रखना ज़रूरी है कि ये जो शर्तिया जुमले हैं और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है उसके दोनों हिस्सों के अंदर हम देखते हैं कि एट द एंड जो मार्कर होता है वो गा गी गे आता है. और हम आम तौर पर इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट हम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करने के आदि होते हैं. गा आ गया तो हम समझते हैं कि शायद इसकी ट्रांसलेशन जो है विल और शेल लगाने से होगी. तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं होती. इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज. तो दोनों के अंदर फ़र्क है. अब जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे. अब इन दोनों क्लाजेज़ के अंदर ये जो एक जुमला होता है इसके दो क्लाज होते हैं. एक को इफ़ क्लाज कहते हैं और जो दूसरा क्लाज है उसको रिज़ल्ट क्लाज कहते हैं, ये सब ऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं. और ये जितने कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं. और जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक जो क्लाज होता है वो डिपेंडेंट क्लाज होता है और दूसरा क्लाज जो है वो इनडिपेंडेंट क्लाज होता है. यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिपेंडेंट क्लाज एंड इनडिपेंडेंट क्लाज. दूसरी बात आपने यहाँ पर यह भी नोट करनी है कि वेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स फ्राम इफ़ क्लाज, तो इफ़ क्लाज के बाद आप कॉमा का यूज़ करेंगे, कॉमा लगाएंगे. और अगर जो सेकंड क्लाज है, जो रिजल्ट क्लाज है, उसको आप पहले लिख रहे हैं तो देन यू डोंट नीड टू यूज़ कॉमा एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्लाज. जब रिजल्ट क्लाज पहले आएगा तो फिर आप कॉमा नहीं लगाएंगे. अब आप इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे सेंटेंस है, ये यूसेज इसका देखें. टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर, कि ये मौजूदा वक्त में या फ्यूचर के अंदर कि कोई काम हो सकता है या नहीं होता, उसकी पॉसिबिलिटी, उसके लिए एक शर्त होगी, वो शर्त पूरी होगी तो फिर वो काम होगा. एग्जांपल्स आप देखें, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम. अब अगर इसका उर्दू में तर्जमा किया जाए तो अगर बारिश होगी आई विल स्टे एट होम, तो मैं घर में रहूँगा. अब दोनों तरफ गा की गई है, बट ट्रांसलेशन के दौरान जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम दोनों क्लाजेज़ के अंदर यहाँ पर विल नहीं लगाएंगे. वो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर पॉसिबिलिटी है जिसको हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे देखें, इफ़ इट रेन्स, ये फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम. आप ये भी नोट करें कि इफ़ क्लाज पहले है, इस वजह से इसके बाद कॉमा लगा है, आई विल स्टे एट होम. अगर बारिश होगी, ये एक कंडीशन रखी गई है और इस कंडीशन के फुलफिल होने पे जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, आई विल स्टे एट होम, मैं घर में रहूँगा. नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, इफ़ आई वेक अप लेट आई विल मिस द बस. अगर मैं लेट उठूँगा, देर से उठूँगा, तो आई विल मिस द बस, तो बस जो है वो छूट जाएगी. एंड इफ़ इट इज़ सनी, थर्ड सेंटेंस, वी विल गो टू द पार्क. यानी अगर धूप ठीक होगी, धूप निकलेगी, तो फिर हम पार्क में जाएंगे. इफ़ जॉन लीव्स देन पॉलो विल बी सैड. यानी एक किरदार है, वो अगर जाएगा, छोड़ देगा, तो दूसरा किरदार जो है वो परेशान हो जाएगा. इफ़ आई फाइंड योर ईमेल, अगर मुझे आपकी ईमेल मिलेगी, आई विल सेंड यू द पिक्चर, तो फिर मैं अपनी पिक्चर जो है वो आपको सेंड करूँगा. इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम सही सख्त मेहनत करोगे, यानी दिल लगी के साथ पढ़ोगे, यू विल पास योर एग्ज़ाम. इसी तरह आप कुछ और एग्ज़ाम्पल्स देखें इसकी, दीज आर मोर एग्ज़ाम्पल्स. यस, इफ़ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश होगी, दिस इज़ फ्यूचर पॉसिबिलिटी,
फ्यूचर के अंदर किसी काम की किस हद तक पॉसिबिलिटी है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस आप देखें, इफ़ इट रेन्स टुमारो कॉमा, आप देखने, अगर हम ये दूसरा जो हिस्सा है आई विल टेक एन अम्ब्रेला, इसको स्टार्ट के अंदर भी लेकर आ सकते हैं। जबकि सेकंड क्लास जो है, रिजल्ट क्लास जो है, जब स्टार्ट में आएगा तो फिर हम इसके बाद कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। ये एक पंक्चुएशन का रूल है, इसको भी साथ ही आपने सीखना है। और नेक्स्ट देखें, इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास माई इंग्लिश एग्ज़ाम, इफ़ आई ईट लॉट्स ऑफ फास्ट फूड, अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाऊँगा आई विल गेट फैट, तो फिर मोटा हो जाऊँगा। इफ़ यू लोअर द प्राइस, अगर कीमतें कम करोगे आई विल बाय इट, यानी अगर किसी चीज़ की कीमत कम करोगे आई विल बाय इट, तो फिर मैं इसको ख़रीदूँगा। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ गलतियाँ करते हैं, वो समझते हैं कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, क्योंकि शुरू में वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के तहत वर्ड बाय वर्ड जो है वो एक लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन सिखाई गई होती है कि गा का क्या मतलब है। हम साथ लिख देते हैं जी विल शेल, तो वो समझते हैं कि जहाँ पे गा आ गया है तो हमने विल और शेल का इस्तेमाल करना है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स दोनों क्लासेस के अंदर क्या करते हैं कि विल और शेल का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो छोटी क्लासेस के अंदर ये फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में, एमसीक्यूज़ की सूरत में, एक आधा सेंटेंस इंटर के लेवल पर भी, और इसके अलावा जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी एक आधा कंडीशनल सेंटेंस ज़रूर पूछा जाता है। तो आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि अगर एक क्लास के अंदर विल शेल का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट है और इसके दूसरे पार्ट के अंदर आपने प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करना है। और प्रेजेंट सिंपल के यूज़ करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही शी इट या फिर कोई सिंगुलर नेम होगा, अज़रा है, अकरम है, तो फिर आपने एस और ई एस का इजाफा करना है। यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं, आप देखें, इफ़ यू वर्किंग हार्ड यू विल गेट, अब ये तो कोई सेंस ही नहीं बनती। इफ़ यू वर्किंग, वर्किंग जब आपने आई एन जी लगाना है तो फिर उसके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। इफ़ यू विल एक्सरसाइज, यही बात कि दोनों तरफ आप विल और शेल लगा देते हैं तो इस तरह करना जो है वो गलत तसव्वुर होगा। थैंक यू सो मच।